हेलो तारिका जी। हाय। मूवी टिकट? यस, शाम 6 बजे की। आज शाम की? हाँ। नॉट पॉसिबल आज शाम। अरे अरे, ऐसा क्यों? 8 बजे तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट? अरे ऐसी कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी है तारिका जी, आज तो हमने आप लोगों को कोई केस दिया ही नहीं है। ऊपर से आया है। ओह, ऊपर से मतलब नहीं चलेंगे? आज नॉट पॉसिबल अभिजीत। क्या तारिका जी, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला था, वो भी आपके लिए, वरना आपको पता है हमारे पास टाइम होता नहीं है, कितना बिजी शेड्यूल होता है मेरा। मुझे पता है अभिजीत, तुम बहुत बिजी रहते हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भी तो शेड्यूल बिजी है। अच्छा, शेड्यूल बिजी है। मैडम जी, आपका शेड्यूल इसलिए बिजी होता है क्योंकि हम CID वाले आपको केस लाके देते हैं, वरना आप तो फ्री बैठे होते। अच्छा, तुम केस लाके देते हो जिसे सॉल्व हम ही करते हैं? एक मिनट, आपको क्या लगता है कि जो केस सॉल्व होते हैं वो फॉरेंसिक की वजह से हो रहे हैं? ऑफ कोर्स, CID जो आज इतना आगे बढ़ चुकी है ना, फॉरेंसिक का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी ही वजह से सही मुजरिमों को सजा मिलती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर हम नहीं होते ना तो बेचारे बेगुनाह लोगों को सजा हो जाती। हम ही तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं। अरे कोई रास्ता वास्ता नहीं दिखाते हैं आप लोग, वो तो हम लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से सबूत इकट्ठा करके लाते हैं, आपके सामने रख देते हैं, और फिर आप वो ये जो लाल पीले हरे नीले पानी है ना, उसमें घोल के कुछ अजीब सा नतीजा निकाल के सामने रख देते हो। अजीब सा नतीजा? हाँ, अजीब नतीजा जिनका कोई फायदा नहीं होता। कई बार तो केस सुलझाने के बजाय आप लोग उलझा देते हो। तुमको ऐसा लगता है? हाँ। तुमको ऐसा लगता है तो तुम फोरेंसिक आते ही क्यों? तुम अब से मत आया करो हमारे लैब में, प्लीज। अरे ये क्या? हाँ। और अभिजीत, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना, वो खत्म। ऐसा था क्या हमारे बीच में जो खत्म हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं था। बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। क्या हुआ? अरे यार, मैं रोज की तरह दूध लेने जा रही थी, तभी अचानक क्या हुआ? मम्मी ये देखो, मैंने फोटो खींची। अरे वाह, देखूं तो? कितनी अच्छी फोटो खींची है। जाओ बेटा और खींचो फोटो। चलो चलते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ अचानक से? मैं दूध की दुकान की तरफ जैसे ही गई, तभी अचानक से पता नहीं वहाँ पर कौन था, और वो तो एकदम से मेरे सामने आ गया। साइकिल पे था और मैं तो डर भी गई उसे देखकर। मामा, और मैंने एक और फोटो खींची। क्या है बेटा, ये बच्चे भी ना बात ही नहीं करने देते। ये कौन है? कोई अंकल उधर सोए। अच्छा तो देखो, अंकल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, आप लोग उस तरफ खेलिए, ठीक है? ठीक है। हाँ तो फिर तुम दूध की दुकान की तरफ बढ़ी और फिर अचानक क्या हुआ? भैया जी, ये लीजिए आपके खाली ग्लास। कितने पैसे हुए आपके? 30 रुपए। अच्छा, पता नहीं कहाँ से अचानक एक साइकिल वाला आया और उसने झट से मेरी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। जरूर कोई चेन चोर होगा। सही कह रही हो, मुझे भी यही लग रहा था। मम्मा, मैंने एक और अच्छी फोटो खींची। क्या है बेटा, आप आंटी से बात नहीं करने दोगे ना? क्या है ये? ये देखो, ये क्या है? सुनो, जरा इधर आओ जल्दी से। ये देखिए, ये क्या है? तुम यही रुको बच्चों के साथ, हम देख के आते हैं। अच्छा,
अरे दोस्तों उस तरफ झाड़ियों में कोई है, चलो चलकर देखते हैं। और बच्चों को इस तरफ छोड़ दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब आप गलत जगह सो रहे हैं, ये सोने की जगह नहीं है, बच्चों के खेलने की जगह है। भाई साहब उठिए। बस ये सो नहीं रहा है, मर गया ये। आई थिंक यू आर राइट। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। लाश कहाँ पे है? सर उधर पीछे झाड़ियों में। केवल गिरी है लाश। जिस तरह से लाश गिरी है ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं मारा ऐसे। हाँ झाड़ियों के अंदर रख दिया, शायद कहीं और मार के यहाँ पे फेंक दिया होगा। गर्दन के पास काफी खून पड़ा, जरा पलटो इसे। माय गॉड, इसकी वजह से इतना खून बहा है। एक आंख ही निकाल दी इसकी। आंख निकाल दी गई है, गला काट दिया। बड़ी बहरे में से खून किया इसका। एक आंख तो यहाँ पे है, दूसरे दिख नहीं रही। जरा देखो आसपास। अभिजीत ये देखो दूसरी आंख मिल गई। और इसका घाव देखा था तुमने? ये बाएं गाल पे जो घाव है ये काफी गहरा है, करीब 3 सेंटीमीटर। छेद बना दिया किसी ने। सर कुछ अजीब तरीके से मारा है इसे। और सर किस हथियार से मारा है वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ और ही लगता है ये। जिस तरह से इसके चेहरे पे ये गहरे घाव है, गले पे वार किया है और आंखें नोच ली गई है, ये लगता है कुछ और ही हथियार है। ये नॉर्मल हथियार नहीं है। बड़े अनोखे ढंग से खून किया है इसका, बहुत टॉर्चर किया है इसका। हाँ पर क्यों, और इसे टॉर्चर क्यों किया गया है? और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे लोग पिकनिक करने आते हैं, यहाँ पे लाके लाश क्यों फेंक दी? यहाँ आसपास किसी ने तो देखा होगा इस लाश को यहाँ फेंकते हुए, कहीं कोई घर सीने का निशान भी नहीं। इन लोगों से पूछते हैं। पंकज तब तक तुम लोग देखो यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। हम लोग पूछते हैं। रेडी, बच्चों को जरा अलग ले जाना, ठीक है? सर चलो बच्चों आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने किसी ऐसे आदमी को देखा जो जो आप लोगों के ग्रुप का नहीं था, या फिर उसे देखकर आप लोगों को शक हुआ हो? सर अब इतने सारे लोगों में से कौन बता सकता है कि कौन आया और कौन गया? हम तो बस यहाँ पर पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, एक लाश मिली है यहाँ पे और किसी ने कुछ नहीं देखा, और तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? घास काट रहे थे। हाँ जी। तुम माली हो ना यहाँ के? तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? जी हम तो घास काट रहे थे, माली है। ये शाम तक सारी घास काटनी थी साहब, तो आते ही अपने काम पे लग गए, तो हमने तो कुछ नहीं देखा। हाँ पर मैंने मैंने एक आवाज सुनी थी। कैसी आवाज?
जैसे कोई बाइक से आया हो और स्पीड से चला गया हो, जैसे कोई बहुत जल्दी में हो। आपको पूरा यकीन है कि बाइक की आवाज थी? हाँ हाँ सर, मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है, वो बाइक ही थी, उसकी आवाज कुछ वूम करके आवाज थी। मतलब इन लोगों के देखने से पहले वो बाइक वाला लाश डाल के भाग गया? हो सकता। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ आवाज सुनी थी या किसी को देखा भी था? नहीं, बस आवाज ही सुनी थी। किस तरफ से आई वो आवाज? सर उस तरफ से। सामने? हाँ सर उस तरफ से। जंगल में कहां से बाइक आई होगी? नीचे चल के देखते हैं। तो यहां पे खड़ी थी बाइक। तो ये विक्टिम इस बाइक वाले के साथ ही यहाँ पर आया होगा, क्योंकि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने, हो सकता है, मगर इतनी बुरी तरीके से मारा है उसको, आंख निकाल दिया, गाल फाड़ दिया, गला काट दिया, किस हथियार से मारा होगा पता ही नहीं चल रहा है। सर किस हथियार से मारा है सालों के साहब यूं चुटकियों बता देंगे। क्यों सालों के साहब के बगैर केस सॉल्व नहीं हो सकता क्या? हम लोग के हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्यों दया, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ कर सकते हैं। हाँ अरे लाश यहाँ मिली है तो आसपास किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। आसपास रहने वालों से पूछताछ करते हैं। अरे भाई सुनो जरा, किस आदमी को देख रहा है क्या? कौन है ये, क्या हुआ इसे? खून हुआ इसका आज। नहीं साहब नहीं देखा, चेहरा नहीं दिख रहा है सही से, पहचानेंगे कैसे? अच्छा ये कपड़े देखो, ऐसे कपड़े पहने किसी आदमी को देखा हो तुम लोगों ने? हाँ साहब एक बंदे को देखा था जो इस तरह के कपड़े और सिर पे पीली टोपी पहने हुए था। पीली टोपी? हाँ साहब। तो उसका चेहरा तो देखा होगा ना तुमने? नहीं साहब चेहरा तो ठीक से देखा नहीं था, लेकिन कदकाठी और उम्र से ऐसे ही लगता था, कपड़े भी ऐसे उसने पहने थे। कब देखा था इसे? परसों देखा था। ये अकेले था या कोई साथ में था इसके? अकेला था साहब। दो दिन से वो यहाँ क्या कर रहा था? सर शायद परसों से इसे यहाँ कैद करके रखा हो और आज मार दिया हो। हो सकता है इन लोगों ने इसे परसों देखा था, शायद कोई मिल जाए जिसने आज देखा हो। देखते हैं जरा आस पास, पूछते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, डीएनए रेसिड्यू भी विक्टिम का ही है। अरे कमाल है तारिका, अरे तो अमजीत का केस है, तुम अमजीत के केस में काम कर रही हो? क्यों नहीं करूंगी सर, क्या फर्क पड़ता है किसका केस है? लैब में अगर लाश आई है तो हमारा फर्ज है कि हम छानबीन करें। वेट, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। चाकू भी नहीं हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर नहीं, टूल नहीं, ये हमला हुआ है तो किस चीज से हुआ है आखिर?
और विक्टिम की मौत करीब 5 घंटे पहले हुई है। हेलो हेलो डॉक्टर तारिका, वो पता चला वो वेपन कौन सा है? नहीं, वेपन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। थैंक यू। आया अभिजीत का फोन? आया पंकज का था सर। ओ मीडिएटर, होशियार आदमी है, खुद बात नहीं करता है, मीडिएटर से बात करवाता है। चाकू से वार किया है, ना कोई स्क्रू ड्राइवर है ना कोई और है, ये वेपन क्या है यार, ये वेपन क्या है? अभिजीत हमसे बदला ले रहा है, बेवकूफ बना रहा हुआ हमें। दरअसल इस आदमी को मारने में किसी किस्म के कोई हथियार का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। सर, सर आप क्या कह रहे हैं? सालों के जो कहता है सच कहता है और सच के अलावा कुछ नहीं कहता है, और सच्चाई ये है कि इस आदमी को मारने में किसी किस्म के कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कुछ और है। हम लोग सीआईडी से। ए, रुक। कहाँ? हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाग क्यों रहे थे फिर? हैं? मैंने इसे नहीं भगाया सर, ये तो अपनी मर्जी से मेरे साथ आती है, तो यहाँ सिर्फ घूमने फिरने आती है सर। तुम दोनों यहाँ अक्सर आते हो? जी। मम्मी पापा को मालूम है? नहीं सर, लेकिन सर सही समय आने पर बिल्कुल बता देंगे सर, सच्ची सर। ठीक है, बताना जरूर, समझे? जी। जरा ये देखो, इस आदमी को देखा तुम लोगों ने? हाँ सर, इसे मैंने देखा है, स्काई ब्लू शर्ट, ब्लैक पेंट और येलो कलर की टोपी जिसमें बीच में लाल गोल बना है। अच्छा, कब देखा था इस आदमी को आप लोगों ने? इसे पिछले 3 दिन से हम रोज दिख रहे हैं। 3 दिन से? पंचर वाला तो बोल रहा था इसने परसों देखा उसे। कितने बजे देखा था इस आदमी को? सर करीब 10-12 बजे के बीच देखा है। साथ में कोई और आदमी भी था इसके? नहीं सर, ये तो अकेला ही था और पैदल जा रहा था। ठीक है, जाओ और घर वालों को जरूर बताना। ठीक है सर। यार ये आदमी और वो बाइक वाला आदमी या तो अलग अलग रास्ते से आते होंगे या अलग अलग टाइम पे, अभी बाइक वाले के साथ इसे किसी ने नहीं देखा। ये किसी ने इस आदमी को यहाँ पे देखा है और किसी ने यहाँ पे आया तो इस तरफ से ही होगा पिकनिक में, ये आने का रास्ता तो यही है। सर इतना लंबा रास्ता पैदल ही क्यों? नहीं, ये मेन रोड तक तो किसी ऑटो या गाड़ी से आया होगा, शहर से पिकनिक स्पॉट तक पैदल आने में तो 10 बार सोचेगा आदमी, तो मेन रोड पे पता करते हैं। यहाँ 4 यहाँ भी 4 यहाँ 3 तो माथे पे 3 निशान। तारिका। हाँ सर। रेजर जल्दी। Yeah.
ये देखो ये चौथा निशान, इसका मतलब किसी ने माथे का सपोर्ट लेकर के इसकी आंख निकालने की कोशिश की है, और इसका यहां गला काटने के लिए भी कुछ सपोर्ट लिया होगा। बाजू ये कंधे पर सपोर्ट लिया है। यस सर, ठीक से समझ में नहीं आया। अरे पूरी तरह से तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखो एक पैटर्न जरूर नजर आ रहा है। फोन नहीं आया ना उसका? किसका? उसी का फोन? नहीं, एक्सक्यूज मी। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे खरोच भी आ गए ना साहब, मुझे डांटेंगे। चले नीचे उतर आप, चलो नीचे उतरो। कौन साहब? बिल्ली टोपी वाले साहब। कौन बिल्ली टोपी वाले साहब? जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे गाड़ी की देखभाल करने के लिए। कहाँ ये तुम्हारे पीली टोपी वाले साहब? पता नहीं, अब तक लौटे नहीं है सर। कब से नहीं लौटे? आज से ही। वैसे 3 दिन से वो यहाँ पर आ रहे हैं, 10 से 12 के बीच, और मुझे 500 रुपये थमा देते थे हाथ में, और मैं इस गाड़ी की देखभाल करता हूँ। आज भी आए थे साहब, पर अब नहीं। ये है तुम्हारे साहब? नहीं साहब, ये मेरे साहब नहीं हो सकते, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने इनका खून कर दिया। लेकिन साहब ऐसा कौन कर सकता उनके साथ? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे साहब के साथ कोई और भी था? नहीं साहब, वो तो अकेले ही आते थे। कहाँ जाते थे, किससे मिलने, कुछ बताया उन्होंने? सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये याद है, साहब पिछले 3 दिनों से गाड़ी में आते थे। गाड़ी से निकलकर मेरे हाथ में पूजा की थाली थमा देते थे, अपनी पीली कैप पहनते, थाली वापस लेकर और मुझे पैसे देकर निकल जाते थे। पीली टोपी तो लाश के पास थी नहीं, शायद गाड़ी में हो। के अंदर कोई टोपी भी तो दिख नहीं रही है। लेकिन उस पीली टोपी को ढूंढना बहुत जरूरी है। जो भी उस आदमी के बारे में बात कर रहा है, पीली टोपी के बारे में जरूर बता रहा है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? तारिका, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि खून किस पोजीशन में किया गया? किस पोजीशन पे हुआ होगा? इस पोजीशन में किया गया। खून खून मुझसे छोटा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक और खूंखार है। तारिका, यही है, ये है असली वेपन। हाँ सर, we've done it. Yes, we have done it. अब इसी के जरिए हमें असली वेपन का भी पता चल जाएगा। मैं अभी नाम ढूंढ के आती हूँ। hmm.
हेलो। नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है। और प्लीज ये बाहर पर इस तरह फोन करके कोई फायदा नहीं है। अभिजीत का फोन? पीली क्या है, पर इतना सारा सामान कहाँ हो सकता है? आसपास चेक करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। कपड़ा अभिजीत आ गया। ये देखो फटा हुआ कपड़ा, लगता उस टोपी का जो उस मरे हुए आदमी ने पहन रखी थी। कपड़ा यहाँ है तो फिर टोपी भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। अरे पंकज, अरे अरे सर क्या कर रहा है? क्या कमाल का काम किया पंकज तुमने, गिर के टोपी ढूंढ ली। ऐसे भी तो बता सकता था यार। निकालो इस टोपी को। वही पीली कैब है, देखो। एक टोपी बड़ी अजीब तरीके से फटी हुई है। टोपी यहां ऊपर पहुंची कैसे? ए, ए रुक रुक। किया तो हमें देख के भागा क्यों सर? भागा क्यों सर? कौन है आदमी, क्यों मारा तुमने इसे? सर मैं किसी को क्यों मारूंगा सर? सर मैं तुझे जानता भी नहीं। हर खूनी यही कहता है। नहीं सर, मेरी यकीन मानिए सर। सर मैं तुम्हें से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं। अब मेरा कैमरा चेक कर सकते हैं सर। हमें देख के भागे क्यों सर? मैं बहुत डर गया था क्योंकि उस एरिया में फोटो खींचना मना है और मुझे लगा आप लोग मुझे ही पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए भागा था सर।
कल भी गया था वहां जंगल में? जी हाँ सर। कितने बजे? वही करीब 10 से 12 के बीच। और 10 से 12 के बीच ही क्यों? क्योंकि सर सबसे ज्यादा जानवर शिकार के लिए उसी टाइम पर निकलते हैं। अगर खून नहीं किया तो खून होते हुए तो देखा होगा ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। किसी की चीख सुनी? नहीं सर। किसी ऐसे आदमी को वहां पे देखा जो गड़बड़ लग रहा हो? नहीं सर। लेकिन सर मैंने एक आवाज सुनी थी और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी मैं उसके पीछे भागा। अभी अभी कह रहा था कि तुमने चीखने की कोई आवाज नहीं सुनी और अब कह रहा है कि तुमने आवाज सुनी है। नहीं सर, ये वैसी आवाज नहीं थी, ये कुछ दूसरी आवाज थी। ये इंसानों जैसी आवाज नहीं थी। ये क्या है? सर यही वो पक्षी है जिसकी फोटो लेने के लिए मैं भागा था लेकिन ले नहीं पाया सर। और पिछले 3-4 दिनों से मैं इसी की फोटो लेने के लिए वहां जा रहा हूँ सर। ये है कौन सा पक्षी? वो तो मुझे नहीं मालूम लेकिन सर ये पक्षी इंडिया में नहीं पाया जाता। ठीक है ले जाओ इसे। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। चलो। सर मैंने तो कुछ नहीं किया सर। सर मुझे जाने दीजिए ना सर। सर प्लीज। एक आदमी एक जगह पे गाड़ी पार्क करता है तो वहां से पिकनिक स्पॉट की ओर इतनी दूर पैदल चल के जाता है, वो भी एक दिन नहीं 3 दिन लगातार, और तीसरे दिन उस पे हमला होता है और खून हो जाता है उसका। और सर उसकी टोपी गायब हो जाती है। और टोपी मिलती है पेड़ पे। ये खूनी पेड़ पे अपना सबूत क्यों छुपाएगा? खून 10 से 12 बजे के बीच में हुआ और करीब उसी समय हमें लाश मिली और इस मरने वाले के साथ कोई आया नहीं था और किसी ने खूनी को भागते हुए नहीं देखा। ऐसे लगता है कि खूनी हवा में आया और हवा में ही उड़ गया। उड़ गया? भैया हमें विक्टिम की आंख कहीं और मिली, टोपी कहीं और वो उसके चेहरे पे अजीब से घाव, टोपी फटी हुई। कहीं वो खूनी ये पक्षी तो नहीं है? खून किया और उड़ गया। हो सकता है जब उस विक्टिम ने इस पक्षी को देखा तो डर के मारे शायद बेहोश हो गया और आसानी से इस पक्षी ने नोच खरोच के वो वहां से निकल गया और शायद इस विक्टिम को चीखने या चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला। मतलब वो फोटोग्राफर सच कह रहा है सर? मगर ये पक्षी खून कैसे कर सकता है? पंकज, इस पक्षी के पंख देखे तुमने? अगर पंख इतना बड़ा है तो पक्षी कितना बड़ा होगा? रुक जाओ तारिका, कहां जा रही हो? उसी अभिजीत के पास जिसने कहा था कि फोरेंसिक की कोई जरूरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। हम मगर क्या, इतना सब होने के बाद उसने तुमको एक फोन तक नहीं किया, सॉरी तक नहीं बोला। तुम नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, मैं तो जाऊंगी, ये मेरी ड्यूटी है, अपना काम तो मैं करके रहूंगी। और है कौन सा ये पक्षी? फाल्कन। जिसे हिंदी में बास कहते हैं। बाज ही मर्डरर है। मैं चाहती तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकती थी लेकिन कोई भी केस हमारे छोटे और सिली झगड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। बाज भी तो पक्षी होता है, हम भी तो उसी नतीजे पे पहुंचे थे। सर, सर स्केच रेडी है सर। ये बास तो इंडिया में दिखते ही नहीं है और खासतौर जिस एरिया में ये खून हुआ है वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ सर, वो फोटोग्राफर ही बता रहा था कि ऐसे पक्षी हमारे देश में मिलते ही नहीं है। ये फाल्कन मंगोलिया में पाए जाते हैं। मंगोलिया?
कहीं कोई मंगोलिया से लेके तो नहीं आया? लगता तो यही है कि ये अटैक्स प्लान्ड है, इसके मालिक का पता लगाना होगा। जरा देखो पिछले 6 महीने में मंगोलिया से कौन कौन आया इंडिया में। सर 6 महीने में ये 20 लोग आए। सर ये अभी भी यहीं पे? सर 19 वापस जा चुके हैं सर, सिर्फ एक ही यहां पर बचा है। रंजीत जा। राजू आज से तू आजाद है, तेरा काम खत्म हुआ। अगर तू और यहां रहा तो हम दोनों फंसेंगे। अंदर हुआ तो रंजीत दरवाजा खोलो। कौन है आप लोग? तुम रंजीत हो? जी हाँ। अरे अभिजी ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तुम माली हो ना यहाँ के? तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? जी हम तो घास काट रहे थे, माली है। ये तो माली साहब है ना जो पिकनिक स्पॉट पे थे। और माली साहब का इतना बड़ा घर? ये घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ भी मालीगिरी करता हूँ। माली के इतने अच्छे कपड़े? क्यों माली अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते क्या? बिल्कुल माली अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मालिक खून नहीं करते। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया है। अभी पता चल जाएगा। पंकज तेरा मालिक साहब को वो कैप दिखाना। इस टोपी को पहचानते हो? नहीं किसकी टोपी है ये? पंकज 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 कोई इसके मालिक को नाजायज तंग करे ये इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वरना गोली मार दूंगा, जल्दी रोक। क्या लगा हाँ बेजुबान पंची से खून करवा के तू सीआईडी से बच जाएगा? बोल क्यों किया खून? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? मोहित और मैं जिगरी दोस्त थे, बचपन से ही 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते थे। फिर
फिर हम दोनों को एक कॉलेज की एक ही लड़की के साथ प्यार हो गया। तो स्वाति नाम था उसका, जान से भी ज्यादा चाहता था उसे मैं, लेकिन दोस्ती की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी ताकि मोहित और स्वाति आपस में शादी करके हमेशा के लिए खुश रह सके, और मैं नौकरी के सिलसिले में हमेशा हमेशा के लिए मंगोलिया चला गया, और वहीं मैंने बर्ड ट्रेनिंग सीखी। प्यार की कुर्बानी दी थी तुमने, तो फिर खून क्यों किया मोहित का? क्योंकि मोहित ने धोखा दिया था उसे, छोड़ दिया उसे। मैं वहां अकेले जिंदगी गुजार रहा था और उसने धोखा दिया उसे, इसलिए मैंने तय किया सर कि मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा उससे। उसे ट्रेन कैसे किया? सर आई एम अ बर्ड ट्रेनर, पक्षियों को ट्रेन करना मेरा पेशा है, इसी के चलते मैंने अपने पालतू बाज को ट्रेन किया मोहित को अटैक करने के लिए। ट्रेनिंग कहाँ दे रहे थे उसे? यहीं पे घर के पीछे। यस, शाबाश। आइस पे वेरी गुड राजू, आखिरी मकसद गले पर अटैक करना है राजू। यस यस, प्यार के लिए अपने दोस्त का खून करवा दिया तुम, प्यार का मतलब भी समझते हो तुम? प्यार लोगों को अच्छा इंसान बनाता है, खून ही नहीं। अब जो कुछ किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, काश फांसी होगी तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.